अम्मा बात फाउज बिल्लाही मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपके लिए लेकर आई एक मज़ेदार सी सूप की रेसिपी। सर्दियाँ हैं, सभी का दिल करता है सूप पीने का, तो वेलकम है आपको पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरे चैनल पे। आए शुरू करते हैं बिना टाइम जाए किए सूप की रेसिपी। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा जीरा पाउडर लेकिन इसका बिल्कुल पिसा हुआ हो, और थोड़ी सी काली मिर्च बिल्कुल पिसी हुई हो, बिल्कुल इसे पीस कर हमने डालना है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर साथ में 1 चम्मच घी का डालकर, और जो हमने चिकन लिया था 2 से 3 पीस हो बहुत होंगे या फिर 1 पाव कर लें वो आपकी चॉइस है, उसे डालकर अच्छे से भूनेंगे गोश्त को। जब गोश्त और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ब्राउन होने लगे तो फिर इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे, लेकिन मुसलसल चम्मच हिलाना है ताकि अदरक लहसुन या फिर जो गोश्त है वो ज़्यादा रेड ना हो जाए एक साइड से। अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे और फिर इसे अच्छे से पकने देंगे। अच्छे तरीके से 1 दफ़ा चम्मच हिलाकर इसे हम अब पकने देंगे ताकि अच्छे से पक कर जो पीसेस हैं जो चिकन है वो बिल्कुल गल जाए। और अब हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और ढक्कन को हल्का सा हटा के रखेंगे ताकि पानी बॉयल होकर बाहर ना गिर जाए। अब इसे हम पकने देंगे, देन थोड़ी देर तकरीबन 15 मिनट के बाद इसे देखेंगे गोश्त गल चुका है। गोश्त को हम अलग से निकाल लेंगे और इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लेंगे, रेशेज इसके बना लेंगे, ठीक है। चम्मच की मदद से इसे दबा कर बिल्कुल छोटे छोटे से इसके पीसेस बना लेंगे और फिर हम इसे दोबारा सूप के अंदर मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे इसके पीसेस बन जाते हैं बिना किसी मिक्सचर वगैरह को यूज़ करके, क्योंकि ये गला हुआ है तो बहुत अच्छे तरीके से इसके बिल्कुल रेशेज हो जाएंगे। ये इसी तरह से रेसेस करके फिर हम इसे एक साइड पे रखेंगे। और अब हम लेंगे 2 चम्मच 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर और उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसका मिक्सचर बना लेंगे। अब जो बनाया हुआ मिक्सचर था वो हम पानी के अंदर सूप के अंदर थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे, क्योंकि एकदम से सारा डाल देंगे तो वो सही से मिक्स नहीं होता, उसकी डलियां बन जाती हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके और साथ में चम्मच हिलाते रहेंगे, थोड़ी देर चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि अच्छे से अंदर मिक्स हो जाए, और जब आपको लगे कि मिक्स हो गया फिर उसे पकने दें, ठीक है। और थोड़ी देर पकने के बाद अब हम लेंगे एक अंडा, अंडे को अच्छे से फेंट लेंगे। फेंटने के बाद हम ये भी उसके सूप के अंदर मिक्स कर देंगे और इसे भी डाल के अच्छे से अपने चम्मच हिलाना है ताकि ये भी एक ही जगह जम ना जाए, पक ना जाए। और अब हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, ठीक है। काली मिर्च का पाउडर जो पिसा हुआ है वो दोनों चीज़ें डाल के, और अब हम इसके अंदर डालेंगे जो हमने चिकन को बोनलेस करके रखा था उसे हम इसके अंदर डाल के अच्छे से चम्मच हिलाएंगे और सारी चीज़ों को मिक्स करके इसे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे ताकि ये पक जाए तकरीबन 10 से 15 मिनट। इसके ऊपर इसी तरह से पकता रहिए, ढक्कन दे कर पकाएंगे इसे अच्छे से, और ढक्कन को थोड़ा सा साइड पे कर दीजिएगा। जब आपको लगे कि ये गाढ़ा होने लग गया है, आपने जितना गाढ़ा करना हो उसके हिसाब से आपकी चॉइस है। क्या काफ़ी लोग ज़्यादा गाढ़ा सूप पीना पसंद करते हो, काफ़ी लोग थोड़ा कम ही हो पतला पतला सा ही पीना पसंद करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा थिक पसंद है, तो मैं इसके ऊपर और थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे दूंगी। देन तकरीबन 5 मिनट के बाद ये आपका सूप तैयार है। सूप को ज़्यादा टेस्ट देने के लिए आप इसके अंदर बॉयल एग भी डाल सकते हैं छोटे छोटे पीसेस करके, या फिर इसके ऊपर चाट मसाला या फिर सॉसेस वगैरह भी इसके ऊपर आप डाल के इसे सर्दियों में मज़े के साथ आप पी सकते हैं, और ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अपने घर पे ट्राई कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोबारा मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।